All right, so let us start with next chapter today. Next chapter, that is current electricity. Current electricity. So before we start with actual theory, थोड़ा हम basics देख लेंगे. अगर आपको याद होगा 11th के syllabus में भी exactly electrostatic के बाद current electricity आया था. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया था, उसके बाद आपके पास मैग्नेटिज्म था. तो ये कभी भी सिक्वेंशियली चलता है. क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हो मतलब चार्ज अगर है तो वो रेस्ट पे है, मल्टीपल चार्जेस है तो वो भी रेस्ट पे है. तो चार्जेस आर नॉट मूविंग, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रेस्ट. सो चार्जेस एट रेस्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट? जब कभी भी स्टार्ट कहां से करते हैं, यू सी हम रियल लाइफ में भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं. हम 11th 12th में आने के लिए भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरा का पूरा पढ़ने के बाद ही पहुंचते हैं. तो फिजिक्स में भी एग्जैक्टली सेम वे से हमको अप्रोच रखना होता है. व्हाट वाज द सिंपलेस्ट केस? सिंपलेस्ट केस ये था कि चार्जेस रेस्ट पे है. तो जब चार्जेस रेस्ट पे थे तो उसका जो फिजिक्स था हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख के, जैसे व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर. हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था वहां पे. ओके गुड. तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था. उसमें चार्जेस वे आर नॉट मूविंग एट ऑल, चार्जेस वे आर एट रेस्ट. ओके, अब जब चार्जेस मूव होंगे तो वी टॉक अबाउट करंट. चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट. तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. अगर आपको याद होगा इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स आपने करंट डिफाइन कैसे किया था, आप बोलते हो कि लेट अस टेक अ कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट मान लो, नाम तो जो चाहो वो तो दे सकते हो. अब इस पी पॉइंट में से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज करंट थ्रू अ पॉइंट. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, ये तो थिन वायर था, पर इन रियलिटी कोई भी वायर हो उसका थोड़ा बहुत तो थिकनेस होगा. इट विल हैव सम थिकनेस. फॉर एग्जांपल आई टेक अ वायर, मान लो मेरे पास एक वायर है. ओके, इसका कुछ तो रेडियस होगा, चाहे वो mm में हो, बट इट हैज सम रेडियस. It has some radius, okay? अब in reality इसका जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसका कुछ एरिया होगा A. इस एरिया A में से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो होता है, दैट इज करंट. हाउ मच इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज करंट, राइट? तो अब टू गो विथ बेसिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस वेर एट रेस्ट, इसके लिए हमने कभी करंट की बात ही नहीं की. पूरा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं पे भी हमने करंट की बात नहीं की, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे थे. गुड. नाउ जैसे ही चार्जेस मूव होना स्टार्ट होंगे तो एक सेकेंड में पर सेकेंड पर यूनिट टाइम एक गिवन एरिया में से या एक गिवन पॉइंट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज करंट. ओके, अब जब आप करंट की बात करते हो तो पहली चीज बाय डिफॉल्ट ये याद रखना, यहाँ पे मटेरियल इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये एक कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि कंडक्टर ही वो मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जैसे ही कंडक्टर सुनोगे मतलब कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज अ मेटल. कंडक्टर हमेशा मेटल से ही बना होता है. कभी सुना है क्या प्लास्टिक का वायर? सुनोगे भी नहीं, बिकॉज इट्स नॉट कंडक्टिंग. कभी सुना है वुडन वायर?
नहीं कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए मेटल होना चाहिए और मेटल के वैलेंस ऑर्बिट में लास्ट शेल में या तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वैलेंस शेल कंटेन्स ईदर वन और टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कॉपर होगा मान लो, उसका जो लास्ट शेल है, अंदर के शेल्स की हम बात ही नहीं करते क्यों, दे आर फिल्ड, उसको कोर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले किसी सेशन में, न्यूक्लियस और जो इनर फिल्ड ऑर्बिट्स है, जिनका ऑर्बिट्स फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, उसको हम कोर बोलते हैं। और जब हम करंट की बात करते हैं तो जो अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो इसलिए हम उनकी बात ही नहीं करते। सो वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक या दो या तीन होगा, तो सच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं एंड दे आर लूजली बाउंड। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस ये कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। बट बिकॉज यू ऑल्सो नो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, कूलम्स लॉ। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दूर है न्यूक्लियस से, इसकी वजह से, या बोलते शील्डेड है बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड ऑर्बिट है ना, तो शील्डिंग हो गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन आ गए जो फोर्स को थोड़ा कम कर देते हैं। इन एनी केस दे आर लूजली बाउंड, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड विथ द न्यूक्लियस। उनको फ्री करना आसान होता है, हम नहीं फ्री करते। कहाँ से फ्री होते हैं? एनर्जी चाहिए ना। हाउ डू फ्री इलेक्ट्रॉन? यू नीड एनर्जी। कहाँ से लाओगे एनर्जी? रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी हीट अवेलेबल होता है। ओके, सो देयर इज ऑलरेडी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, सो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्टर्स दे बिकम फ्री। फ्री होके जाएंगे कहाँ पे? फ्री होके जाएंगे कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द मटेरियल इटसेल्फ। वो फ्री हो गए लेकिन मटेरियल छोड़ के नहीं गए, दे आर स्टिल एसोसिएटेड विद द वायर, विद द मटेरियल, and they become free to move. So conductors contain large number of electrons. Kitna large? So 10 power 15, 10 power 16 electrons per meter cube. Ek meter cube mein itna hota hai, isse zyada bhi ho sakta hai. Right? So there are free electrons. So as of now, what have you understood? Number one, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होना स्टार्ट होगा, इट विल कॉन्स्टिट्यूट द करंट। करंट होता है कंडक्टर में बिकॉज कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने बात नहीं की, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट थिंग फर्स्ट। लेट मी टेक अ कंडक्टर। मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, let's say this is a conducting wire, हमारे पास conducting wire है, this is the wire that we have. Definitely इस conducting wire में there are many many free electrons which can move throughout the material. And as I told you, मैंने अभी अभी आपको बताया, current by definition is how much charge is flowing per unit time. एक सेकेंड में कितना चार्ज यहां से वहां मतलब फ्लो हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, राइट, बट अब हमने जब तक इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्सटर्नल सेल मतलब एक्सटर्नल बैटरी हमने जब तक इसको कनेक्ट नहीं किया, जब तक आप एक्सटर्नल बैटरी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक इन इलेक्ट्रॉन्स के आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, मतलब दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो कहीं पे भी मूव होंगे। एनर्जी तो है, कहाँ से आई? रूम टेम्परेचर का हीट था, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, उनके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग रैंडमली। तो कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, राइट।
so they do not have any particular direction of motion. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब कैंसिलेशन होता है. सो ड्यू टू रैंडम मोशन नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो. 10 कूलम लेफ्ट टू राइट क्रॉस सेक्शन क्रॉस करके गया तो 10 कूलम राइट टू लेफ्ट क्रॉस सेक्शन क्रॉस करके गया. ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, बिकॉज रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यस दे आर मूविंग, तो करंट क्यों नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, मेरे पास एक कंडक्टर है. फॉर एग्जाम्पल डू आई हैव कंडक्टर हियर, यस आई हैव कंडक्टर हियर. आई हैव दिस कंडक्टर, ये ऊपर का जो मेटल सर्फेस है ना, दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. इसको मैंने हाथ लगाया, आई डोंट फील एनी करंट. क्यों नहीं, तो कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है. रूम टेम्परेचर में बैठा हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी हो रहा है. तो मोशन है अगर, इफ चार्ज इज आर मूविंग, तो फिर करंट आना चाहिए ना. करंट क्यों नहीं आ रहा, ये इसके लिए नहीं आता है करंट. नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी पॉइंट से किसी भी एरिया से नेट चार्ज बिकम्स जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन है इसके लिए. राइट, नाउ what happens if I connect a source of potential difference या electromotive force, a source of EMF, या फिर in short simple language में बोलूं, अगर मैंने इसको एक battery connect कर दिया, एक cell connect कर दिया, तो क्या होगा. और आपको पता होना चाहिए battery और cell का difference क्या होता है. तो cell, number of cells together make up a battery. अगर आपने n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में या पैरेलल में लगा दिया तो वो बैटरी बन जाता है. सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है लेट अस से. अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे थे, अब वो सेल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगे. मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है. तो अब किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन यू हैव सम चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. So you have charge flowing per unit time. So अब आ गया current. Okay? अब ऐसा है कि electrons negative terminal से positive की तरफ गए, तो electron का motion negative से positive है, तो current का direction negative से positive होना चाहिए. Right? नहीं. Electrons are moving from negative to positive terminal. मतलब इलेक्ट्रॉन करंट उसका डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन कन्वेंशनल करंट, हम लोग कन्वेंशनल करंट को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं. इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग उल्टा लेते हैं, हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट. Direction of conventional current is always opposite to that of motion of electrons, right? Good. So, itna basics aapko pata hona chahiye. The velocity of electrons in presence of external potential difference, jab aapne battery connect ki tab, isko bolte hain drift velocity. Aur jab aapne battery connect nahi ki thi, tab electrons were moving randomly. तो उसका जो वेलोसिटी था दैट वाज कॉल्ड एज रैंडम वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी. बट व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी टू अ कंडक्टर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग,
they are moving from negative terminal to positive terminal of the cell of the battery. That velocity is called as drift velocity, right? Good. So introduction part में इतना जरूरी होता है क्योंकि आपको exactly पता होना चाहिए कि जब मैं आगे जाके theory develop करूंगा तो current मतलब क्या? करंट मतलब एक्सटर्नल बैटरी चाहिए, नहीं तो करंट की बात ही नहीं होगी क्योंकि नेट करंट, नेट चार्ज इज जीरो, तो करंट इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल सेल। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी मैंने बोल दिया, तो पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, राइट? तो दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो। तो लेट अस पुट डाउन क्विकली इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत फर्स्ट हम लोग नोट कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। सो एज यू नो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स थ्रू अ कंडक्टर, it constitutes an electric current. A conductor contains large number of free electrons. तो इसके लिए क्या हुआ, जो नेट क्रॉसिंग था किसी भी क्रॉस सेक्शन से, नेट चार्ज फ्लोइंग वाज जीरो, सो द नेट चार्ज क्रॉसिंग, द नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन of the conductor is zero. Okay. इसका मतलब there is no electric current. Hence, an electric current does not flow through conductor. Hence, an electric current does not flow through a conductor. Okay. अभी तक हमने बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, और EMF मैंने 11 में सिखाया था आपको, बताऊंगा सी व्हाट इज EMF. सो हाउएवर, when a source of EMF, if it's a cell in simple language, when a cell or battery is connected, to the conductor, an electric field is developed at every point inside the conductor. Okay.
Therefore, electrons being negatively charged, travel in a direction, opposite to the electric field, and a current flows through the conductor, okay. So as this maine bataya, direction of electric current is conventionally opposite to the electron flow. So the direction of electric current is conventionally opposite to the direction of electron flow, That is all you need to know. And by the way, no one is going to ask you about introduction. Write a note on introduction of current electricity. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में. तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट. फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को इसलिए आता है बिकॉज यू डोंट नो बेसिक्स. आई मीन आई एम नॉट सेइंग यू एज इन यू, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. बेसिक्स के थ्रू जाओ, आराम से फिजिक्स समझ में आएगा, नो इश्यूज. तो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ ओके. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको सर्किट एनालिसिस के लिए, व्हाट इज सर्किट एनालिसिस आगे सामने आएगा. लेकिन इन शॉर्ट, जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, ये है, वो है, ओके. उसको सॉल्व करना है. अब इस सर्किट को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? जैसे आप मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे तो सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है ना. मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर डेरिवेटिव्स होंगे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन निकालना. इंटीग्रेशन सॉल्व करना मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करना, ऐसे सब होता है. तो वैसे ही फिजिक्स में सर्किट सॉल्व करना मतलब उस सर्किट के एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट है, ये सब हमको करना पड़ता है. तो सर्किट एनालिसिस मतलब सर्किट को सॉल्व करके हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है. तो सर्किट एनालिसिस कैसे करना है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. और बेसिक्स है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉस बेसिकली प्लूरल बिकॉज देयर आर टू लॉस. ओके, नाउ किरचॉफ्स लॉ पे जाने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज अ जंक्शन. तो मैं इसको रियल लाइफ से कंपेयर करूंगा. अब आप बोलते हो कि नियरेस्ट जंक्शन दैट वी हैव इज चालीसगांव. रेलवे जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. व्हाट डू मीन बाय जंक्शन? पहले रियल लाइफ में जंक्शन क्या होता है वो समझ लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपने आप समझ में आएगा. व्हाट इज अ जंक्शन इन रियल लाइफ? आपके घर के पास में कोई चौक होगा तो वो भी जंक्शन है. क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग डायरेक्शन से आपके रास्ते मिलते हैं.
right? So roads coming from different direction, they are meeting. मतलब यहाँ से vehicle towards आ सकती है या away भी जा सकती है. That's the junction where different paths plural meet. यहाँ पे अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं, उसको बोलते हो junction. रेलवे जंक्शन का भी मतलब वही होता है. ट्रेन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन दे मीट, और ट्रेन फ्रॉम दैट पॉइंट कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको जंक्शन बोलते हैं. दूल्हे को जंक्शन भी नहीं बोलते. तो हमारे टाउन में वन वे है, यहाँ से एक ही डायरेक्शन में जाता है, वहां से यहाँ पे आता है, खत्म. तो यहाँ हमारे सिटी में जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाता है और वहां से वापस आता है. ओके, so junction is a place in real life where paths from different direction they meet. Okay, ab electrical circuit mein junction ka matlab kya, maan lo mere paas ek circuit hai, I have a circuit, let's say, and aisa ek circuit hai, us circuit mein maan lo, let us assume उस सर्किट में एक पॉइंट है, सम पॉइंट पी, ओके, जहां पे अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले करंट मिल सकते हैं या स्प्लिट हो सकते हैं. सो करंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कैन ईदर मीट और स्प्लिट. सच अ पॉइंट इज कॉल्ड अ जंक्शन, राइट? So how will you define junction? Easy. How will you define a junction? It is any point in an electrical circuit where current can split or current coming from different direction can add up, right? So what is a junction? Junction is any point in an electrical circuit. It is any point in an electrical circuit where current can split और करंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कैन एड अप, उसको बोलते हैं जंक्शन. सो यू सी फिजिक्स एंड रियल लाइफ मोस्ट मोर और लेस कनेक्टेड है. सो इट इज एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट where current can split or currents coming from different directions can add up. Okay, can meet, simple language, can meet, right? Again, no one will ask you define junction in an electric circuit. Ho gaya to ho gaya, kisi ne one mark ka definition pooch liya to pooch liya, but normally is pe questions nahi aate. Ye aapko pata hona chahiye. Kyun? Kyunki jab hum complicated circuit banayenge to aapko identify karna padega ki junction point kaun sa hai. जब तक आप जंक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तब तक सर्किट का आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी. यू शुड नो व्हाट इज अ जंक्शन, क्योंकि मैं सर्किट दे दूंगा और मैं आपको बोलूंगा सॉल्व करो इस सर्किट को. सॉल्व करो मतलब इस सर्किट में वो ब्रांच है, उस ब्रांच में करंट जा रहा है, करंट फाइंड करो. हाँ, तो करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जंक्शन पॉइंट को, क्योंकि करंट जंक्शन पॉइंट से ही अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो पहले तो जंक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर देना चाहिए. उसके लिए जंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए. सिंपल है, एनी पॉइंट इन अ सर्किट वेयर करंट्स कैन मीट और करंट्स कैन स्प्लिट. सिंपल. नेक्स्ट, अगली चीज क्या पता होनी चाहिए हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क? Next thing that we should know, what is electric network? अब
11th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पे भी हमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओके, और आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है, हमने कैपेसिटर भी डिफाइन किया है, तो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, रजिस्टर बोलते हो उसको, चाहे वो कैपेसिटर हो, और एक चीज सीखोगे आप उसको हम इंडक्टर बोलेंगे, अभी तक इंडक्टर हमने देखा नहीं है बट आगे जाके सीखेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स, क्योंकि हम किसी भी एक सर्किट में यही एलिमेंट्स लगाते हैं, हम एक सर्किट में रजिस्टर लगाएंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में पुराना रिमोट कंट्रोल पड़ा होगा, या फिर आपके घर में पुराना सेलफोन पड़ा होगा, या फिर आपके घर में पुराना कैलकुलेटर होगा, उसको जब आप ओपन करके देखोगे तो एक ग्रीन कलर का प्लेट दिखता है, उसके ऊपर ट्रैक्स दिखते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे चीजें लगाई होती है, माउंट किया होता है, उसको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स, दोज आर ईदर रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और समथिंग लाइक दैट, ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्किट एलिमेंट किसको बोलते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स या सर्किट कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, क्योंकि किसी भी सर्किट में मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि सिर्फ रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस लिया, एक कैपेसिटर लिया, बस कनेक्ट कर दिए। मतलब बैटरी कहाँ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, करंट कहाँ है, करंट तो चाहिए ना, करंट नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या पॉइंट है। सो यू हैव टू पुट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यू हैव टू कनेक्ट अ बैटरी, अनलेस यू डू दिस देयर इज नो करंट इन द सर्किट। जब तक आपके पास करंट ही नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ोगे क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स या इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स इसको आप कंपोनेंट्स भी बोलते हो, और दे आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल रजिस्टर, कैपेसिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब बैटरी, सेल, जो भी होगा, ओके, आर कनेक्टेड। So it is a combination of various electric circuit elements and sources of EMF. Okay, so this is an electric network. Okay, good. Then what is a branch? अब आपको तो पता ही होगा ब्रांच का इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश वर्ड ब्रांच का मतलब क्या होता है, ऑल नो, हमारा एक ब्रांच यहाँ पे, हमारा दूसरा ब्रांच वहां पे, तीसरा ब्रांच वहां पे है, पेड़ के भी ब्रांच होते हैं, सो यू हैव ब्रांचेस, वेरियस ब्रांचेस। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो हियर वी हैव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, तो एज यू सी, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स, है क्या इसमें रेजिस्टेंस, यस, एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, मतलब बैटरी सेल कनेक्ट किए क्या हमने, यस, सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, सोर्सेस ऑफ वोल्टेज, सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, बैटरी, ये सब एक ही चीज होता है। व्हेन यू से सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट बैटरी, और यू आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, और यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज, तो या एक ही चीज है सर, ओके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क, दिस इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क एज यू कैन सी इन द फिगर,
इसमें एक रेजिस्टेंस है, दो सेल है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स एंड सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। ऑलराइट, गुड। तो अब ब्रांच क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मिल गया आपको, व्हाट इज द ब्रांच? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, जंक्शन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर करंट्स कैन मीट और करंट कैन स्प्लिट। तो यू सी दिस पॉइंट सी, ये जो सी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे करंट या तो मीट होंगे या तो स्प्लिट होंगे। तो सी एंड डी आर जंक्शन पॉइंट। इन दोनों जंक्शन पॉइंट के बीच का जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क का जो पार्ट है, दैट इज अ ब्रांच। तो ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, ये तीसरा ब्रांच हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का रेजिस्टेंस है, ये भी सी और डी पॉइंट के बीच में लगाया है, दो जंक्शन के बीच में है। ऊपर का जो बैटरी है, सेल है, वो भी सी और डी के बीच में है। बीच का जो सेल या बैटरी है, वो भी सी और डी के बीच में है। तो वॉट इज अ ब्रांच? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। तो जंक्शन पता होगा तब ब्रांच समझेगा। ओके, सो व्हाट इज अ जंक्शन? एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज अ जंक्शन? एनी पॉइंट वेयर करंट्स कैन मीट और स्प्लिट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे दो रेजिस्टेंस लगा दिए, तीन लगा दिए, चार लगा दिए, साथ में बैटरी लगा दिया मैंने, ईएमएफ लगा दिया, तो दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एंड व्हाट इज ब्रांच? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिटवीन टू जंक्शंस। सो अ ब्रांच is any part of the network that lies between two junctions. This is branch. This is defined as branch of electric network. What is loop of electric network? So, loop kya hota hai? This is all English words. So, English mein agar loop pata hoga, to yahan bhi loop. Okay. What is loop? Loop is any closed conducting path. Main example leta hu. Let us remove this diagram from here. मान लेते हैं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो आई विल पुट अ रेजिस्टर हियर। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मैंने इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी कनेक्ट की, सम बैटरी 10 वोल्ट लगा दिया। मान लो क्या होगा, देयर विल बी करंट थ्रू द सर्किट, मतलब ये यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ओके, तो देयर विल बी करंट, राइट? ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो पाथ है करंट का, कौन सा पाथ? यहां से ऐसा पाथ। ये क्लोज्ड पाथ है क्या? यस। कंडक्टिंग पाथ है क्या? यस। सो एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप। अब ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, मैंने नीचे रेजिस्टेंस R2 लगा दिया। चलो नामकरण कर देते हैं, इनको नाम देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट। करेक्ट, राइट। अब करंट यहां पे भी फ्लो होगा, तो ऊपर का जो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, ये एक लूप हो गया। नीचे का जो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, ये एक लूप हो गया। और दिस इज हाउ यू डिफाइन अ लूप। सो यू कैन हैव लूप ए बी सी एफ ए। याद रखना, लूप इज अ क्लोज्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। क्लोज्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ऊपर का एक लूप है, नीचे का भी लूप है। एफ
E, D, C, F. F से स्टार्ट हुआ, E पे गया, E से D, D से C, C से F. Right? तो how will you define a loop? Any closed conducting path in an electric network is called as loop. Any closed conducting path. In an electric network is called as loop, right? अब ये चार बेसिक चीजें और चार में से इंपॉर्टेंटली सिर्फ तीन, जंक्शन, लूप और ब्रांच, ये तीनों चीजों का मतलब अगर आपको अच्छे से पता होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी इजी, एक्सट्रीमली इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स हियर. ओके, सो नाउ आई होप यहां तक कोई डाउट्स नहीं होंगे. नाउ हमको पढ़ना था किरचॉफ्स लॉ. अभी किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स दो, टू लॉज आर देयर. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हो, जंक्शन लॉ भी बोलते हो, और एक दूसरा लॉ है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं. हमको इन रियलिटी देखना था व्हाट आर किरचॉफ्स लॉ, लेकिन किरचॉफ्स लॉ समझने के लिए आपको जंक्शन, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ब्रांच, लूप सब पता होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ, which is Kirchhoff's first law, or it is also called as current law, or it is also called as junction law. Right. अब मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल. मान लो ये एक जंक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे वो शिव तीर्थ है ना, वैसा एक जंक्शन है मान लो. और मैंने बोला कि इस जंक्शन में किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है, नो वन इज अलाउड टू स्टॉप हियर. सपोज यहां से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, ओके, यहां से भी कुछ ट्रैफिक आ रहा है, यहां से भी कुछ ट्रैफिक आ रहा है, राइट, और यहां से सारे के सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं. क्या हुआ यहाँ पे, टोटल व्हीकल्स कमिंग इक्वल टू टोटल व्हीकल्स लीविंग. तो ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि सारे व्हीकल्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा भी सकता है. यहाँ से कुछ व्हीकल्स बाहर गए, यहाँ से कुछ व्हीकल्स बाहर गए, ये भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ व्हीकल्स अंदर भी आए, सब हो सकता है. ओके, बट अंदर आने का केस हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सर्किट्स के बारे में बात करना है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. वी हैव अ जंक्शन, एक जंक्शन है जहाँ पे स्टॉपिंग इज नॉट अलाउड, आप रुक नहीं सकते. रुक नहीं सकते मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स लीविंग. तो यही तो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, लूप लॉ, जंक्शन लॉ, नॉट लूप लॉ, जंक्शन लॉ. नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया था. मैंने बताया था आपको कि ये एक पी पॉइंट है यहाँ पे, विच इज जंक्शन पॉइंट. ओके, मान लेते हैं यहां से करंट I1 एंटर हुआ, यहां से करंट I2 लीव हुआ, यहां से करंट I3 एंटर हुआ, फिर यहां से करंट I4 एंटर हुआ, और यहां से करंट I5 लीव हो गया, करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल करंट
entering the junction is equal to total current leaving the junction. इसके दो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं. एक टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, अभी एंटर कौन कौन कर रहा है, I1 और I3 और I4. दिस इज द करंट एंटरिंग जंक्शन, इट इज दे आर गोइंग टूवर्ड्स पॉइंट P. और लीव कौन कर रहा है, I2 और I5. सो टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग अ जंक्शन. ये एक तरीका है बोलने का, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो. द अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द करंट्स, अलजेब्रिक सम मतलब एडिशन, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो, मतलब समेशन आई इज जीरो. ये समेशन आई जीरो कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, राइट. बट वॉट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इसका मतलब क्या होता है, चार्जेस आर नॉट अलाउड टू स्टॉप एट जंक्शन. चार्ज जितना आया उतना ही उस पॉइंट से चले गया, मतलब देर इज नो नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन, राइट. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, वेरी सिंपल थिंग. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, या फिर टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ओके, राइट. अब बाय साइन कन्वेंशन कुछ रूल्स हमको बनाने पड़ते हैं. जैसे आपको रे ऑप्टिक्स याद होगा, रे ऑप्टिक्स में भी हमने साइन कन्वेंशन यूज किए थे. हमने बोला था डिस्टेंस इज मेजर टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन नेगेटिव, डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. तो ये सारे कन्वेंशंस होते हैं, ये रूल्स होते हैं. वैसे ही यहाँ पे दो रूल है, इन रियलिटी एक ही रूल है, राइट. तो जितने भी करंट्स जो जंक्शन के तरफ जा रहे हैं हम उनको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. तो ऑल द करंट्स मूविंग गोइंग टूवर्ड्स जंक्शन आर टेकन टू बी पॉजिटिव, मतलब आई वन आई थ्री और आई फोर पॉजिटिव होगा. एंड ऑल द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव. Currents moving towards junction are positive, taken to be positive. Currents moving away from the junction are taken to be negative. तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या, summation of I equal to zero, मतलब I1 plus I2, sorry, I1 plus I3 plus I4, ये positive है, minus I2, minus I5 equal to zero. क्योंकि मैंने क्या बताया, the sum of all the electric currents at any junction is zero. तो सम करने गया मैं I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5, लेकिन by rule I1, I3, I4 towards junction जा रहे हैं तो positive लेंगे, I2 और I5 away जा रहे हैं तो negative लेंगे. तो आगे आपके पास I1 plus I3 plus I4 minus I2 plus I5 equal to zero, मतलब घूम फिर के आप वापस यहाँ यहीं पे आ गए. I1 plus I3 plus I4 equal to I2 plus I5, मतलब current entering is equal to current leaving, मतलब जंक्शन पे चार्जेस को रुकने का परमिशन नहीं है. They have to come, they have to go. That is Kirchhoff's first law. Okay, so I will talk about this in detail again in the next lecture. So for the time being, for today, it was important for you to first of all understand. So what you have learned is some basics about current and some basics about electric network. आज इतना ही sufficient है. Junction, electric network, branch loop अच्छे से पढ़ना. कल के session में मैं direct बताऊंगा वो junction point है, वो network है, वो branch है, वो ये है, वो है. तो you have to know all this. So that is sufficient for today. We'll stop theory part for today.